आप मैं आप मुझे कह रही थी मैं आ जाता। अरे बेटा, बस दिल चाह रहा था तो आ गए आपके पास ऐसे ही। मैं समय आने ही वाला था। अच्छा, दवाएं वगैरह तो हमें ठीक रखती हैं, लेकिन आप लोगों की फिक्र हमें बहुत बेचैन रखती है। सारी जिंदगी आपने हमारा ख्याल रखा है। आपका आराम का वक्त है। आराम कहाँ, बस ये शम्मू का मामला एक तरफ हो जाए तो कुछ सुकून हो। और ये रमशा भी तो कुछ पता ही नहीं चलता, फोन करो तो कॉल आंसर नहीं करती, अजीब लड़की है। उस अजीब लड़की का क्या बताऊं आपको, अब मैं हफ्तों कांटेक्ट नहीं होता। अब तो लगता है कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ तो इसमें आपका भी उतना ही कसूर है जितना कि रमशा का है। अम्मी, मेरी जिंदगी का मकसद तो सिर्फ रमशा ही है ना। मैंने उसकी हर ख्वाहिश को उसके मुस्तकबिल के साथ जोड़ के देखा। उसने कहा पहले अस्पताल बनेगा उसके बाद शादी होगी। आज लाइक फेरा ठीक है जैसा तुम तो। अब वो अस्पताल कब बनेगा और शादी कब होगी ये भी उसकी मर्जी पे छोड़ दिया। अम्मी ये है मेरा असल कोशिश। हाँ तो बेटा देखो, मकसद तो उसका नेक ही था ना। अब अगर ताखीर हो गई, उसके वालिद की तबीयत खराब, सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं होता बेटा। तो अम्मी मैंने उसकी मजबूरी को समझा ना, वक्त दिया उसे। मेरा उस पे एतमाद अभी तक वैसा है जैसे पहले दिन था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने मुझे बेवफा और पता नहीं क्या क्या बना दिया। आपको लगता है मैं ऐसा हूं, बताएं। आप हमारी औलाद हैं, हम आपके मिजाज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन एक औरत जब अपने मर्द का झुकाव किसी और औरत की तरफ महसूस करती है तो उसका रद्दे अमल बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे रमशा का था। ये आप कह रही हैं अमीन, कोई क्या सोचता है मुझे यकीन जाने उसकी कोई परवाह नहीं। अफसोस हुए मुझे ये जान के कि आप भी मेरे बारे में ये सोच रही। अरे नहीं बेटा, हमने ऐसा कुछ नहीं समझा। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि रमशा की सोच को रोकने के लिए आप और रूही एक दूसरे से दूर रहे, बस। अच्छा ठीक है, लेकिन आपने रमशा के शक को अपना यकीन क्यों बनाया? मेरे बच्चे, मेरी जान, आप, रमशा, रूही, तीनों अजीज हैं मुझे, तीनों मेरे प्यारे हैं, तो हम नहीं चाहते कि आप में से कोई भी एक दूसरे के लिए बदगुमान। ठीक है, आप मैडम रमशा से जाके उनका इरादा पूछ लीजिए। उनसे आखिरी बार पूछें कि उनका क्या इरादा है, और मैं मुंतजर रहूंगा उनके आखिरी फैसले। यही चाहती हैं ना आप?